कि आप जो मर्जी बातें करें, कानून यानी सिस्टम जो है कानून का, उसके ऊपर, वकला के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर, जजेस के ऊपर या कॉन्डक्ट के ऊपर, लेकिन इवेंचुअली अगर किसी मुआशरे में सैनिटी ने प्रवेल करना है तो वहाँ पे सिस्टम ऑफ जस्टिस ही डिलीवर करेगा। जहाँ पे सिस्टम ऑफ जस्टिस डिलीवर नहीं कर सकता या खुदा न खास्ता उसमें कमी रह जाती है, वहाँ उन कौमों के अंदर बहरान आ जाते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि हमारी पॉलिटिकल एफिलिएशन जो मर्जी हो, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो मर्जी हो, हमें अपने सिस्टम ऑफ जस्टिस को अपहोल्ड करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करना चाहिए, चाहे वो फैसला मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो या मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। आप एग्री करते हैं इससे? ये जो यहाँ बात हो रही है कि जी जज साहिबान के उनके बारे में कि जी वो अबव बोर्ड हैं या क्या, तमाम जजेस अबव बोर्ड होने चाहिए और होते हैं, मतलब जिस तरह, तो इसमें सब तो नहीं होते, बड़े जज नहीं, सब साफी भी अपना अच्छे नहीं होते, अच्छे लिफाफे नहीं। वाले भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, बट ये है कि मालकान भी नहीं होते इसमें। जो जब ये केस की प्रोसीडिंग अभी शुरू होनी थी नवंबर का जब शुरू था, तो अगर आप उससे कुछ चार छः दिन पहले के अखबार सारे एनालिसिस देखें, एक चीज़ जो कॉमन बात सारे कर रहे थे वो ये थी कि जी शरीफ ख़ानदान और शरीफ बरादरान जो हैं ये मास्टर्स हैं ऑब्फस्केशन के, यानी चीज़ों को डॉज और डाइवर्ट करने और लटका देने के और टाइम इल्तवा में डालने के। और ये वो मुझे तवक्को नहीं है कि इस बेंच के आगे अब इस तरह की कोई हथकंडे जो हैं वो चलेंगे। और जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब वही जज हैं अब प्रेजाइड कर रहे होंगे इस बेंच पे, जिन्होंने पिछली प्रोसीडिंग्स के दरमियान दो तीन दफ़ा, मैं अब मिसाल देना चाह रहा हूँ उसी ऑब्फस्केशन या उस इल्तवा में और डॉज करने वाली बात की, मियाँ साहब के वकील ने कहा कि बेंच को आर्ग्यू करते हुए कि जी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को आप इसमें तलब ना करें केस में, कम अज़ कम ये जितने और एमएनएज़ का नाम पनामा में आया उनको तो आप बुलाएं। तो उस पर जस्टिस आसिफ करें क्यों ना तलब करें, नहीं उन्होंने कहा पहले उन्होंने कहा से शुरू होंगे, तो वही बात वही हुई। और तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा वॉज द वन हु सेड इन द ओपन कोर्ट कि नहीं जी वी विल डू इट वन बाय वन, और उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो इक्वल्स की बात कर रहा हूं। आज की बात की फर्क नहीं समझ आई कि फर्ज करें कि अगर अलीम खान का या जहांगीर खान तरीन की कोई कंपनी है ऑफशोर कंपनी, मुझे वो तो बिजनेस करते हैं और बिजनेसमैन है और उनकी 100 ट्रांजैक्शंस होंगी, जो आदमी पब्लिक के पैसे के ऊपर रखवाला है उसके ऑफशोर अकाउंट्स जब निकलते हैं या उसकी फैमिली के निकलते हैं, जिसका बाजाहिर यहाँ पे कारोबार बैंकक्रप्ट हुआ और वो बैंकों के हवाले हुआ, ये नहीं है कि सक्सेसफुल कारोबार है, उसकी क्या गुंजाइश है? देखिए अभी तक तो जो गुंजाइश उन्होंने बनाई है ना वो यही है कि वो एक बंदा गया, उसने जो है वो मुर्गी के 12 अंडे दुकान से लिए, तो सारे सोने के निकले नहीं, अभी तो उनकी वो एक BMW है जो सोने के अंडे देती है। अच्छा, लेकिन वो ये अभी तक जो इनका डिफेंस है ना वो सिर्फ वो यही है कि वो 12 अंडे उसने लिए, तो उस दुकानदार को उसने कहा कि ये 300 रुपये के हैं, तो उसने कहा कि ये 300 रुपये के हैं तो ये मुर्गी कितने की है, उसने कहा वो भी 300 की है, तो उसने कहा अच्छा मुझे मुर्गी दे दो, वो मुर्गी लिए अंडे दिए और वापस चला गया। तो दुकानदार पीछे भागा, उसने कहा वो पैसे, उसने कहा तो मुर्गी के तो मैंने तुम्हें अंडे दे के लिए मुर्गी, तो 300 रुपये की थी, तो उसने कहा लेकिन वो मुर्गी के पैसे नहीं दिए, तो उसने कहा मुर्गी के तो मैंने अंडे दे दिए, तो उसने कहा अंडों के पैसे नहीं दिए, उसने कहा मैंने अंडे तो लिए ही नहीं, मैंने तो मुर्गी लिए। ये डिफेंस है अभी राइट नाउ, अभी तक ये चल रहा है। अब पता नहीं ये दुकानदार और ये कहाँ पहुँचेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जो मैंने यहाँ पे कहा था असेंबली में कहा था वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, जो मैंने वहाँ पे कहा है अब वो पता नहीं अभी। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आप दोनों से एक सवाल है, एज अ पार्लियामेंटेरियन ये आपके लिए एक शर्मनाक मकाम नहीं होगा कि एक आदमी यार पार्लियामेंटेरियन? सबसे ज्यादा शर्मनाक मेरे लिए ये है कि PMLN में हमारे बड़े दोस्त हैं, आपको भी पता है, आपके भी दोस्त हैं, काज साहब के भी दोस्त हैं, वो सारे पीछे बात, भाई ये क्या बात तो करें कि क्या है, करेज नहीं है सामने बात। देखिए मुझे समझ नहीं आती, सबसे पहले तो पार्लिमानी पार्टी को चाहिए था नून लीग की कि वो देखिए, ये को मुबशर लुकमान ने स्कैंडल ब्रेक नहीं किया, ये PTI ने नहीं किया, काजी साहब ने नहीं किया, एक इंटरनेशनल स्कैम, और किया भी हो तो क्या, हाँ लेकिन चलिए एक इंटरनेशनल स्कैम है, कह रहे हैं हम एक लोकल तो है ही नहीं, उसमें बाकी तमाम जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी है, और आप देखें उसने डेविड कैमरॉन ने उसने पार्लियामेंट को आकर के दी है। सो यहाँ पर पार्लिमानी पार्टी की जो मीटिंग, अब तो मीटिंग ही नहीं हुई माशाल्लाह, बुलाते ही कोई नहीं इनको, अगर मीटिंग है तो उसमें भाई खड़े होकर को प्राइम मिनिस्टर को कि सर आपके ऊपर ये एलिगेशन आए हैं, आप हमें अपना जवाब दें और हमें उसके मुताबिक मुतमईन करें,
मुझे समझ नहीं आती, एमएनए जो बने हुए हैं, मिनिस्टर्स बने हुए हैं, उन्होंने क्या लेना है और?